नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रिया विपुल भट्टर आज आप लोगों से एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे काफ़ी महिलाएं परेशान रहती है, काफ़ी लड़कियां भी इस चीज़ से परेशान होती है। तो उसका नाम है PCOD या फिर PCOS। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे क्या होता है ये PCOD, किस कारण होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसमें कौन सी चिकित्सा लेनी चाहिए, कौन सा योगासन करना चाहिए, हम लोगों ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसे विस्तार से। जब महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू होते हैं, तब उनके ओवरीज यानी अंडाशय पे छोटी छोटी गांठें आती है। उस कारण ओवरीज की साइज बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं PCOS। क्या होते हैं इसके लक्षण? जिन्हें PCOS होता है उन महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होता है, जिस कारण उनकी महावारी देर से आती है, उन महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं रह सकती, उनका वेट गेन होता है, उनके चेहरे पे काफ़ी बाल आते हैं, उन्हें काफ़ी पिंपल्स होते हैं और वो महिलाएँ कभी कभी मधुमेह का भी शिकार हो सकती है। ये हो गए सारे PCOD के लक्षण। अब किस कारण होता है ये? आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीन दोषों में गड़बड़ी होने के कारण PCOD होता है। इसमें सबसे मुख्य है पित्त और कफ। हमारे शरीर का बढ़ा हुआ पित्त रस और रक्त धातु को दूषित करता है। ये दूषित रस रक्त धातु मन व स्रोत में जाके पिट्यूटरी ग्लैंड्स में से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनमें इम्बैलेंस करते हैं, और उन हार्मोन्स में इम्बैलेंस होने के कारण महिलाओं के जो फीमेल हार्मोन्स है उनमें गड़बड़ी होती है, और साथ ही साथ शरीर में का कफ बढ़ जाता है, और वह कफ छोटी छोटी गांठों के रूप में ओवरीज पे अंडाशय पे जाके चिपक जाता है। अब हम देखेंगे इसमें हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से पंचकर्म में का स्नेहन, स्वेदन, सहचर आदि तेल का बस्ती ये बहुत अच्छी चिकित्सा मानी गई है। और शमन चिकित्सा में हम इसमें रुग्ण को कन्या लोहादी वटी, कांचन और गुड़, दशमलारिष्ट ये दवाइयाँ दे सकते हैं। अब हमें देखना है कि इन लोगों ने क्या खाए क्या ना खाए। इन लोगों को खाने में ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज ये खाना चाहिए, साथ ही साथ अखरोट, नारियल, बादाम, पिस्ता और ऐसे फ्रूट्स जिनमें फाइबर ज़्यादा हो, फूलगोभी, पालक ऐसा इन्हें खाना चाहिए। और मैदे से बने जो प्रोडक्ट है वो नहीं खाना चाहिए, जैसे पास्ता, पेस्ट्रीज ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब इन्हें कौन सा योगासन करना चाहिए? योगासन में इनके लिए धनुरासन है, मार्जारासन है, बटरफ्लाई है, साथ ही साथ प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति है। ये सारी योगासन और प्राणायाम इन रुग्णों को करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।